बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के रोहिणी इलाके में शराब के ठेके के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सोमवार को स्थानीय लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर शराब के ठेके के खिलाफ शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिस जगह पर शराब का ठेका खोला जा रहा है उसके पास में छोटे छोटे बच्चों का स्कूल बना हुआ है, साथ ही रिहायशी इलाके के पास में शराब का ठेका खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस शराब के ठेके से बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई कि जब तक शराब का ठेका बंद नहीं होता है तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में शराब के ठेके के विरोध में स्थानीय लोग शासन और प्रशासन के खिलाफ लामबद्ध हो गए हैं। यहाँ के लोग शराब के ठेके के विरोध में अनोखा रास्ता अख्तियार कर चुके हैं और अब लोग सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दरअसल रोहिणी सेक्टर 5 में सरकार द्वारा शराब के ठेके को अनुमति दी गई, जिसके बाद यहाँ पर दुकान खोलने की तैयारी भी कर दी गई और इसी का विरोध कर रहे स्थानीय निवासी अब दुकान के सामने सड़क पर बैठ गए हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि सरकार ने यहाँ पर ठेके खोलने से पहले एक बार झांकना भी उचित नहीं समझा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस इमारत में शराब की दुकान खोली जा रही है ठीक उसके साथ में बच्चों का एक स्कूल भी है, इसके अलावा साथ में ही रिहायश बनी हुई है और उस पर तो रही है कि रोड के ठीक सामने चर्च जबकि पीछे ही कुछ दूरी पर मंदिर भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस ठेके को लेकर महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। ठेके के खिलाफ विरोध पर बैठे लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ रोष भी साफ देखने को मिल रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा शराब के ठेके की अनुमति को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं जो सरकार से इस ठेके के खिलाफ अपनी गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट से एक छोटी सी चीज़ है वो पूछना चाहूँगी कि शराब के ठेके कहाँ खुल सकते हैं, क्या उसके पैरामीटर्स है, कितना उसका क्या क्या उन्होंने पूरा का पूरा उसके लिए रच रखी है, एक संरचना रची होगी, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। क्योंकि जो हमने इंटरनेट पे देखा है वहाँ पे सब जगह यही मौजूद है कि आप स्कूल के पास ठेका नहीं खोल सकते, मंदिर के पास नहीं खोल सकते, गुरुद्वारे के पास, किसी धार्मिक स्थल के पास आप ठेका नहीं खोल सकते, रिहायशी इलाकों में आप ठेका नहीं खोल सकते। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है, बिल्कुल साथ में दीवार चिपकी है, साथ में स्कूल है बच्चों का और बिल्कुल साथ में ही परिवार पूरा रहता है और बिल्कुल सामने ही देखेंगे बिल्कुल 70 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे चर्च है और पीछे मंदिर है। तो यहाँ पे वो पैरामीटर तो सेट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ठेका कैसे उन्होंने परमिट कर दिया हमें अभी तक ये नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं जो गर्मी में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल हैं, अभी जैसे उन्होंने बताया कोमल जी ने कि पीछे मंदिर भी है, चर्च भी है, स्कूल भी है। तो हम चाहते हैं कि ये बस बंद हो जाए और हमारा इतनी प्रार्थना है दिल्ली सरकार से कि इसको बंद करा दिया जाए। आदमी लोग सुबह काम पे चले जाते हैं, मेरी 5 साल की गुड़िया है, 14 साल की है, बाकी 2 गुड़िया और बड़ी हैं, उनको निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हम लोग तो बच्चों को सड़क के मारे यहीं से निकालते थे, बच्चों को शाम को खेलने का ही समय ये था, अगर ये दुकान खुल गई तो शाम को तो यहाँ पे भीड़ लगी रहेगी, हमारे तो बच्चे सेफ है ही नहीं घर में, हम तो कहीं आने जाने लायक ही नहीं रहे हैं, घर में 4 औरतें अकेली है, पता नहीं कैसे आती है लोग इन दुकानों पर, कैसे चढ़ते हैं कैसे नहीं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये दुकान। और देखिए, ये जो सरकारें बनती हैं चाहे कहीं किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट बनती है, हम लोग उनको चुन के भेजते हैं, वो जनता के हित के लिए काम करती हैं सरकारें, लेकिन बड़े गजब बात ये है कि ये वाली सरकार जो दिल्ली में आई है दूसरी बार हम लोगों ने चुन के भेजी है, हमारी ये गलती है कि हमारे घर के पास में आप शराब के ठेके खोल देंगे, मेरे यहाँ से बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं और यहाँ स्कूल भी है साथ में, इनको इतना भी नहीं दिमाग में आया जिस आदमी ने ये अप्रूवल दी है यहाँ के ठेके के लिए, क्या उसके अंदर कोई भी जरा भी कोई बुद्धि नहीं थी कि पहले देख तो ले मैं कहाँ के लिए ठेके की अप्रूवल दे रहा हूँ। और अब ये जो है यहाँ इन्होंने लगा दिया ठेका, यहाँ खुल गया है और हम यहाँ पर पिछले 10 दिन से धूप में, यहाँ पर कड़ी धूप में हमारे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनें, बूढ़िया, बूढ़ी औरतें, बड़े बुजुर्ग को सामने देखा होगा आपने, ये सारे यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं और ये सरकार है ये सोई हुई है, टेंशन ले रही है कि अंदर इस तरह से ठेके ओपन करने हैं, ये कोई शोभा नहीं देता, सरकार चाहे कोई भी हो, मसला सरकार का नहीं है, मसला यहाँ पर जनता का है, पब्लिक का है, पब्लिक प्लेस में जहाँ एक तरफ स्कूल है, एक तरफ इसमें रेजिडेंस है और सेंटर में आप ठेका खोल रहे हैं, ये किसको शोभा दे रहा है? इस तरह के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरह ठेके खोलने, ये शोभा देता है सरकार? स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर सभी लोग बीते करीब 10 दिनों से ठेके के विरोध में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं।
लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। दिल्ली सरकार के खिलाफ बैठे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा इस ठेके की अनुमति को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये ऐसे ही सड़क पर बैठे रहेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों की ये आवाज़ सरकार के कान में कब तक पहुंचती है और सरकार इन लोगों की मांग पर क्या रुख दिखाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।